चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ए विद मास 100 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अनदर ब्लॉक बी, ठीक है, ऑफ मास 200 किलोग्राम एज शोन इन द फिगर। हॉरिजॉन्टल रोप टाइड टू अ वॉल होल्डिंग इट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.2 while the coefficient of friction between B and ground is 0.3. The minimum force required force is to move, ठीक है, इसको move कराने के लिए, B को move कराने के लिए कितने force की requirement होगी। तो सबसे पहली बात, अगर मैं कहूँ इसका एक figure बनाऊँ छोटा सा और separate figure बनाऊँ, अगर आप force आप इधर लगा रहे हो तो B का intention of motion right side में है, तो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड जो लगाएगा, जो ग्राउंड लगाएगा वो एफ आर वन, इसको कह देते हैं, वो बैक साइड लगाएगा और ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ आर वन वो आगे की तरफ लगेगा। अब ब्लॉक आगे जा रहा है तो ए भी इसको पीछे की तरफ खींचेगा, एफ आर टू इसको कहो, और ब्लॉक ए को एफ आर टू लगा के आगे खींचेगा। तो टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स हैं वो कितने हो गए, FR1 और FR2, तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो बी ब्लॉक को अपने उल्टे डायरेक्शन में खींच रहे हैं, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में वो खींच रहे, खींचेंगे, तो उसके बराबर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, इन दोनों फोर्सेस के बराबर ये फोर्स लगना चाहिए। इट मींस F इज इक्वल टू FR1 प्लस FR2 के बराबर लगना चाहिए। अब FR1 की वैल्यू क्या होगी, FR1 नीचे लग रहा है तो म्यू ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यूज किया हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इसमें एन वन कहा मैंने, इसमें म्यू टू इंटू एन टू कहा, इसमें म्यू टू, म्यू वन की वैल्यू है 0.3, ये 0.3 है, ठीक है, ग्राउंड और बी ब्लॉक के बीच की, और नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, एन वन, एन वन इज इक्वल टू होगा एम वन प्लस एम टू इंटू जी, इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। तो इसको आप लिख दें, ये है 200 प्लस 200 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 300 हो जाएगा, 300 इंटू 10 3000 हो जाएगा, 3000 इंटू दिस ये 900 आ जाएगा, सॉरी 900, ठीक है, ये हो गया आपका 3000 इंटू 0.3 900 आएगा, सही है। अब देखो FR2 कितना होगा, FR2 इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू टू मीन्स 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, N2 कितना होगा, N2 होगा M1 इंटू जी, M1 है 100 किलोग्राम तो 100 इंटू जी 1000, तो 1000 इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 200 न्यूटन, FR2 200 न्यूटन, FR1 900 न्यूटन, तो दोनों का सम कितना आएगा, 900 प्लस 200 कितना हो गया 1100 न्यूटन। ये आपका आंसर सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है।